बंटवारा हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं हिंदू मुसलमान, वो ही उसी चक्कर में। अच्छा जी, नहीं ले पाया, कोई भी टक्कर नहीं ले पाया। अमरीशपुरी अमरीशपुरी थे दीवारा, बढ़िया गाना। कौन सा मेली किला गड्डी लेके सा। एक्चुअली सनी के जो जितने भी सीन हैं सारे फेवरेट दिखाए गए हैं, इस वजह से उनकी जगह कोई नहीं ले पाया इस टाइम पे। नहीं नहीं, अलग ही व्यक्तित्व था डॉन का। तो जैसे जो विलन थे पहले हमारे अमरीश पुरी, जो कि एक बहुत ही उस टाइम के लेजेंड एक्टर रहे, तो गदर टू में कोई जगह ले पाएगा उनकी? आप नहीं ले पाया, वो एक्टर लीजेंड है, तो लीजेंड इसीलिए नाम पड़ा उनका, क्योंकि उनकी जगह कोई ले ही नहीं पाएगा। ये एक्टर आएंगे ही नहीं, एक बार आ गए फिल्म बन गई है बस। भाई मूवी देखी थी आपने, गदर मूवी देखी? टीवी में देखी, हॉल में पहली बार देख रहा हूँ। क्यों देखने आए हो, क्या बात है? क्योंकि ऐसा है, एक्चुअली सनी के जो जितने भी सीन हैं सारे फेवरेट दिखाए गए हैं, इस वजह से। ठीक है, सिद्धोल के फैन हो? और नहीं क्या, पुराने धर्मिंदर का इधर लौंडा सनी देओल देखने, इसलिए कोई गाने आते पिक्चर के कुछ? जी बारा बढ़िया गाना। कौन सा मेली किला गड्डी लेके, वही वाला सॉन्ग। अब अंदर जाएंगे। एक बात, मुझे जो वो विलन है अमरीश पुरी, हाँ विलन है अमरीश पुरी विलन है, कोई क्या लगता है कुछ ले पाएगा उसकी जगह पे गदर टू के अंदर? नहीं, कोई ले पाएगा उसकी जगह पे? अमरीश पुरी नंबर वन था, कोई नहीं ले पाएगा, ले पाएगा बिल्कुल भी। क्यों, इसके जो सीन है कैचू उगाड़ा है, किस चीज पे उगाड़ा है? अपनी वाइफ के ऊपर, चाहे कोई कास्ट हो उससे मतलब नहीं, अपने वाइफ के ऊपर उगाड़ा है। किस चीज़ में उगाड़ा है जी? आप भी थोड़ा मीडिया वाले हो, थोड़ा बहुत आप भी जानते होंगे, नॉलेज है कि नहीं? तो माइक के अंदर बोल के आप बताइए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या वो पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि यार हमारा हेडपम्प वापस करो? किस चीज़ में वापस करें बताओ? तुम्हारे अंदर तो वो तुम्हारे अंदर टन दिया है, अब जो बताओ कहाँ से अंदर वो कहाँ से वापस करें? जब बताओ अब निकालोगे, तुम ही निकालोगे, हम कैसे निकालेंगे भाई? आप बताइए कैसे निकालेंगे? गदर टू में क्या लगता है, क्या मतलब वो उखाड़ेगा? अब क्या उगाड़ेगा, जो उगाड़ना था पहले उगड़ गया, अब जिसको उगाड़ना उगाड़ के दिखाए सामने खड़े हैं तत्काल में छाती डोक के। हिंदुस्तान के बंदे हैं, बंदे मातरम कहते हैं। तो जो दूसरा भाला भाग आने वाला है गदर का, क्या लगता है हिट होगा कि फ्लॉप हो जाएगा? अब समय के हिसाब से देखने के अनुसार पता पड़ेगी, जब पिक्चर देखेंगे उस हिसाब से आपको बताएंगे। सब बता रहा है कि पाकिस्तान का दामाद है वो। कौन? गदर टू के टीचर बताया कि पाकिस्तान का दामाद है। कह रहे अभी तो ट्रेलर देखा नहीं है, जब पूरी पिक्चर देखेंगे जब आपको बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन भाई मेरा, जैसे पहले जो विलन था अमरीश पुरी, उसकी जगह कोई ले पाएगा? ले पाएगा इस बार? अब देखते हैं पिक्चर देखने के बाद में। नहीं नहीं, जो विलन था जो अमरीश पुरी पहले पिक्चर के अंदर, क्या लगता है उसकी जगह कोई ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, उसका एक अलग ही हो रहा था जी, उसका कोई अलग ही मतलब अमरीश पुरी का कुछ अलग ही झटका था। बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया कैसी? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत ही सुपर लाजवाब, बढ़िया। शूटिंग अच्छी थी, बढ़िया थी, सुपर थी, हाँ बहुत सुपर थी। और आने वाली भी है जो 11 अगस्त को आने वाली, वो भी सुपर ही आएगी है, गदर टू सुपर हिट। इसमें जो विलन मतलब बता रहे हैं अमरीश पुरी नहीं रहेगा, कोई क्या लगता है कोई जगह ले पाएगा उसकी अमरीश पुरी की? हाँ वो भी विलन ही अच्छा ही आ रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। गदर टू का टीजर देखा आपने? नहीं वो अभी नहीं देखा अभी। कौन सी वाली फिल्म आपने देखी थी? गदर मूवी पहले देखी थी आपने? हाँ देखी थी। कैसी लगी थी उस समय? बहुत अच्छी। अभी थिएटर में देखने के लिए आ गए दोबारा से, क्यों? अच्छी लगी थी इसलिए। तो गदर का भी सेकंड पार्ट एक आने वाला है, देखोगे? देखोगे उसे? जरूर देखेंगे। गाने याद हैं मूवी के? हाँ गाने याद हैं। कौन सा गाना फेवरेट है उसका? वो उड़ जा मेरे कावा तेरे मूत पवन पावा। तो कोई जगह ले पाएगा वैसे अमरीश पुरी की जगह? कोई ले पाएगा सकता कोई विलेन की जगह? अमरीश पुरी की जगह कोई नहीं ले पाएगा। उसकी आवाज अलग थी, उसकी लंबाई अंबाई जो होती है, एक विलेन का डर लगता है। आवाज तो देखो अब हर कोई निकालना जानता है, मेरे बैकनरी आए हैं जो आवाज निकाल लेते हैं, मैं उस जैसी आवाज नहीं हो सकता। मेरा इसमें एक सवाल है, जैसे ये पिक्चर जो अभी आई है गदर टू, दूसरा पार्ट आ रहा है, उसमें कुछ एक कंट्रोवर्सी हो गई है, जैसे कुछ रोमांटिक सीन शूट कर लिए गुरुद्वारे के अंदर, तो सिखों ने उस पर बोला है कि मतलब ऐसा क्यों किया गया, केस कर दिया एक तरीके से, उस पर क्या बोलो? उस पर तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते, जो गवर्नमेंट है जो बोलेगी। हमें तो अच्छी लगी है मूवी, जो हमें अच्छा लगना चाहिए, हम तो इसलिए आते हैं। और कुछ मूवी ऐसी होती है हम टाइम पास करने भी आते हैं, देखो ये ऐसा नहीं होता कि हम उसके लिए आए, हम तो टाइम पास करने लिए भी आते हैं भाई साहब। वो
वो सीन उसे कटना चाहिए, फिर मूवी बैन होनी चाहिए? नहीं, बैन होनी चाहिए मूवी। मूवी बैन होनी चाहिए? हाँ, गदर टू बैन होनी चाहिए। और क्या, सनी देओल के फैन हो आप बोल रहे मूवी बैन होनी चाहिए? नहीं, हम तो सनी देओल के फैन हैं। तो फिर मूवी बैन क्यों होनी चाहिए? बैन क्यों होनी चाहिए, फैन होनी चाहिए फैन। मूवी देख के आयो? अंकल आपने देखी थी गदर मूवी? जी। उस समय क्या माहौल था गदर का? बहुत फास्ट। आपने पहले गदर देखी फिर ये वाली मूवी देखने के लिए आगे वापस से क्यों? जी, आपने पहले ही मूवी देखी थी गदर देखने के लिए आगे क्यों? अच्छी लगी है इसीलिए। सिंगर का फैन हो क्या है? सनी का फैन। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं हमारा हेडपंप वापस करो। हाँ, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं हेडपंप वापस करो। वो नहीं करेंगे, वो तो हमारे लिए। अमरीशपुरी जगह ले पाएगा लग क्या लगता है? अमरीशपुरी जगह ले पाएगा? अमरीशपुरी जगह, अमरीशपुरी का, अमरीशपुरी जगह ले पाएगा? नहीं, नहीं आने वाला वो ले लेगा? नहीं ले पाएगा। उनकी आवाज, उनका बोलचाल तरीका नहीं ले पाएगा, कोई भी टक्कर नहीं ले पाएगा। अमरीशपुरी, अमरीशपुरी थे। अगर आपने पहले मूवी देखी थी गदर मूवी देखी थी? सही वाली मूवी देखने के लिए आगे क्यों? पिक्चर अच्छी थी इसलिए, सुपरहिट पिक्चर है। सनी देओल के फैन तो नहीं हो? हाँ, सनी देओल के फैन है। कोई गाना वगैरह याद है कोई पिक्चर का? कुछ नहीं है। हाँ, मुसाफिर जाने वाले। नहीं, फिर आने वाले। अच्छा, जैसे जो विलन था अमरीशपुरी, क्या लगता है कोई जगह ले पाएगा उसकी? अब उसकी जगह नहीं, उसकी जगह तो कोई ले नहीं सकता। वहाँ वो विलन अलग था, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई एक्टिंग उसकी अलग थी। हाँ, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता है। कोई ऐसा नाम है बॉलीवुड में जो लगता है कोई ले सकता है ये? मतलब देखो, कोई भी ले ले, मगर उसकी जैसी तो कॉपी कोई नहीं कर सकता। आवाज निकाल ले, लेकिन आवाज निकाल ले, डुप्लीकेट कर ले, मगर उससे ऐसा तो एक्टर ही नहीं है। अगर भैया आपने गदर मूवी पहले देखी थी आपने? हाँ, मैंने देखी है, आज से 10-15 साल पहले देखी थी टीवी पर सबसे पहले। फिर भी दोबारा देखने आए थिएटर में पैसा खर्च करके? क्यों, ये पिक्चर ही ऐसी है, क्या करें। बार बार मन करता है, और कभी अच्छी जैसे सोलह फिल्म है, ऐसी फिल्म है ये। बताओ, जब आपने पहले देखी थी तो सुनने में आया था कि शुरुआत में गदर फ्लॉप हुई थी 7-8 दिन तक के लिए। पता नहीं थी ना जनता को किस फिल्म में है क्या। जब पता पड़ा कि इसमें बंटवारा हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं हिंदू मुसलमान, वो उसी चक्कर में। अच्छा, ये बताओ, जैसे जो विलन थे पहले हमारे अमरीश पुरी, जो कि एक बहुत ही उस टाइम के लेजेंड एक्टर रहे, तो गदर 2 में कोई जगह ले पाएगा उनकी? अब नहीं ले पाया, वो एक्टर लीजेंड है, तो लीजेंड इसीलिए नाम पड़ा उनका क्योंकि उनकी जगह कोई ले ही नहीं पाएगा। ये एक्टर आएंगे ही नहीं, एक बार आ गए फिल्म बन गई है बस। हाँ, गदर मूवी तो सही है, हिट है, सुपर हिट है। और जो उसका ट्रेलर देगा दूसरी वाले का, वो भी टॉप की पिक्चर है। क्या लगता है, हिट होगी नहीं होगी? वैसे आराम से हो जाएगी, सुपर हिट। तो वो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं हमारा हेडपम्प वापस करो, क्या बोलोगे? वो हेडपम्प कहाँ से आएगा, वो तो उड़ी गया, बिक गया वो, कबाड़ी में बिक गया होगा वो। क्या उखाड़ेगा इस बार सनी देओल पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान के लिए सुपर जाइए, एकदम सुपर। गदर 2 भी सुपर जाएगी, इससे भी अच्छी 21 होगी। गदर 2 की टिकट बजानी होंगी? गदर 2 पाकिस्तान की जय हिंद कर देगी। बढ़िया लगे, एकदम मस्त पिक्चर लगी। बॉलीवुड में अगर नाम आ रहे दिमाग में, कोई ले सकता है उनकी जगह पे? वैसे नए नए लोग आएंगे, नई नई स्टाइल में आएगी, टेक्नोलॉजी में आएगी फिल्म, जब चलेगी। आपने गदर मूवी देखी थी इस समय पर? आपने पहली वाली बढ़िया थी, आपके पता चलेगी देखने से, आपके देखने से पता चलेगी। गदर मूवी चल रही है इस समय पर, तो अब पता चलेगी देखने से अब कैसी है कैसी नहीं है। तो गदर मूवी जो थी उस समय पर, उसमें अमरीशपुरी विलेन थे, उनकी जगह कोई ले पाएगा? उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा इस टाइम पे, नहीं नहीं। उनका एक अलग ही व्यक्तित्व था उनका। अच्छा, जैसे ये मूवी है, इसमें बता रहे हैं कि सनी देओल ने हेडपंप उखाड़ दिया है, पाकिस्तान के लोग वापस मांग रहे हैं। अब पता नहीं है, वापस दोगे दोगे पाकिस्तान, अब देखने से पता चलेगी। उसमें तो उखाड़ लिया था, गाने कोई गाने आते गाने उसमें था, एक तो वही था इसमें, उसका नाम क्या है आपका, मुसाफिर जाने वाले। हाँ, मुसाफिर जाने वाले, कहीं न आने वाले, बेहतरीन गाना था। धन्यवाद।
कह रहा हूँ, आपने मूवी देखी थी गदर समय पर, आपने देखी मूवी गदर से पहले? फर्स्ट टाइम देख रहे हो? हाँ। अच्छा, कैसे देख रहे हो, मतलब किसी रिकमेंड किया है, कैसे किसने बताया इस मूवी के बारे में? इसकी मूवी के बारे में पता नहीं भाई। अच्छा, इस मूवी को 22 साल हो चुके, पता होगा आपको। और आपसे आज पहली बार देखने आए भाई। एक विलन है अमरीश पुरी, सुना उसका नाम? अमरीश पुरी का नहीं सुना अभी तक? नहीं सुना भाई। पहले जो गदर आई थी वो आपने देखी थी उस समय पर? कैसी लगी थी उस समय पर? बहुत बढ़िया। तो वही पिक्चर दोबारा आ रही है गदर मूवी, आप देखोगे उसका दूसरा भाग? हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। हाँ बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। एक गदर, एक इंडिया, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। सनी देओल के फैन हो आप? हैं? कोई फैन हो सनी देओल के? सनी देओल के, धर्मेंद्र के, दोनों के हैं। गाने आ रहे हैं गदर पिक्चर के कुछ मेरे को? गाने तो बहुत आते हैं पर मैं गाते नहीं। तो अभी क्या लगता है दूसरा भाग आने वाला, वो हिट होगा? सुपर हिट होगा। हाँ, आप देखने जाओगे? जरूर, पहला दिन पहला शो।